माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो हम इसकी एक एग्जांपल से देखेंगे कि आखिर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो अभी मैट्रिक्स ए हम एज्यूम कर लेते हैं जिसकी कॉलम है a1, a2, a3। हमें इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, तो माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो माइनर निकालने के लिए, माइनर बेसिकली एंड कोफैक्टर क्या होते हैं, तो ईच पार्ट्स के निकलते हैं, ईच एलिमेंट्स के निकलते हैं। जैसे a1 का माइनर क्या हो गया, b1 का क्या हुआ, c1, मतलब होल मैट्रिक्स का ना निकल के एक एक एलिमेंट का निकलता है। जैसे कि अब हमें मान लो b1 इसका निकालना है माइनर, तो इसका माइनर हो जाएगा माइनर ऑफ b1। माइनर ऑफ b1 क्या हो जाएगा, तो हम इस पूरे कॉलम और इस पूरे रो को छोड़ देंगे, तो हमारे पास लेफ्ट क्या बचा, a2 c2 a3 c3, ये हो जाएगा हमारा माइनर। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, 2। तो बेसिकली माइनर्स क्या होगा कि जिस एलिमेंट की, जिस हमें एलिमेंट की माइनर्स निकालनी है उसको, उस रो और उस कॉलम को छोड़ के बाकी जो भी बच रहे हैं उनको लिख देना, और बाकी इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं। ये होती है इसकी माइनर्स। अब इसकी निकलते हैं हम कोफैक्टर ऑफ b1। तो कुछ नहीं करना है उसमें, बस हम साइन कन्वर्जन कर देते हैं इनटू माइनर ऑफ बी वन। मतलब साइन क्या होती है, तो साइन मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि मैट्रिक्स की जो साइन होती है वो प्लस से स्टार्ट होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब फर्स्ट पोजीशन में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब चूंकि b1 पे हमारी कौन सी पोजीशन आ रही है, तो b1 पे हमारी माइनस आ रही है, तो माइनस इनटू माइनर क्या आ रहा है हमारा, a2 c2 a3 c3। द सेम वे इफ अगर हमें निकालनी है माइनर ऑफ a3, तो क्या करेंगे, अगर हमें निकालनी है माइनर ऑफ a3 तो हम क्या करेंगे, माइनर ऑफ a3। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a3 का निकालना है, तो a3 के लिए ये रो और इस कॉलम दोनों को लॉक कर देंगे, तो बचा क्या हमारे पास, b1 b2 c1 c2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया माइनर। अब इसके हम निकालते हैं कोफैक्टर। इसमें क्या करना है, साइन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसके लिए साइन क्या होगा, a3 की जगह पे कौन सी साइन है, प्लस, तो इसके लिए माइनर एंड कोफैक्टर दोनों सेम। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन आता है कि ये माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम निकालते क्यों हैं, तो बस इसका यूज अभी थोड़ी देर बाद होगा, तब तक के लिए ये निकालने का तरीका है। बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये माइनर एंड कोफैक्टर बेसिक चीज होती है, इसका हमें यूज करना होता है कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो साइन कन्वर्जन हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं, इसका फॉर्मूला होता है जैसे -1 to the power n कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 to the power n इंटू माइनर। अब ये n क्या होता है, तो n होता है रो प्लस कॉलम पोजीशन। मींस अगर हमें इस एलिमेंट की निकालनी है तो इसकी पोजीशन क्या है, तो रो में फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो -1 यहाँ पर लिखेंगे फॉर b1 -1 to the power क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो प्लस कौन सी कॉलम है, सेकंड कॉलम, -1 to the power 3 -1। क्लियर, सेम है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें c2 के लिए निकालना है, तो c2 के लिए क्या करेंगे, c2 के लिए क्या करेंगे, -1 to the power
सेकंड रो प्लस थर्ड कॉलम इज इक्वल टू माइनस वन टू दी पावर फाइव इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन। तो ये इसकी फॉर्मूला है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या होता है, इसको हम बेसिकली कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी, जो भी हमारे मैट्रिक्स है उसके पहले एडजॉइंट ऐड कर देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज इफ ए, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, आई जे कोई मैट्रिक्स ए है आई जे एम इंटू एन की, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी कौन सी हमारी मैट्रिक्स आ गई एक, तो ये ए आई जे आ गई एम इंटू एन की। तो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी इज अ मैट्रिक्स वे आर ए आई जे इज ऑब्टेंड बाई को फैक्टर ऑफ दिस। आई समझ में, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, वेयर जो ये हमारी पॉइंट्स है ये कहाँ से फाइंड आउट होती है, तो इसके को फैक्टर से, तो उसको हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए होता है बी का ट्रांसपोर्ट, मतलब हम जब इसका को फैक्टर निकालेंगे और उसकी ट्रांसपोज निकालेंगे वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट होगा। आई बात समझ में। अब हम एक इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल अब क्या बोल रहा है कि अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालनी है तो इसकी हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। इसकी हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो इसकी कोफैक्टर कैसे निकलेगी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन लिख देने के बाद क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम इसका निकालेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी माइनर। तो हम पहले निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ ए वन वन। ए वन वन क्या है हमारा, वन है। ये क्या हो जाएगा कोफैक्टर के लिए सबसे पहले हमारा रहेगा साइन। साइन इसकी क्या होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हमारा इसके लिए साइन हो जाएगा प्लस इंटू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा। तो बचा क्या, माइनस टू वन माइनस फोर सेवन। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करना है, ऐसे ऐसे। ये हमारी कोफैक्टर आ गई 18। इन द सेम वे हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ए वन टू। ए वन टू क्या है हमारा, माइनस वन। इसके लिए क्या साइन आएगी, माइनस वन के लिए। तो इसके लिए हमारा साइन क्या होगा, इसके लिए माइनस माइनस इंटू ये लॉग ये लॉग। बचा क्या, टू थ्री वन माइनस सेवन। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस इंटू सेवन टू जा माइनस फोर्टीन और माइनस थ्री कितना हो जाएगा, प्लस सेवनटीन। ठीक है। तो ये फिर से हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ ए वन थ्री, मतलब इस पोजीशन की। ऐसे ही इच एलिमेंट की निकालेंगे, आप निकाल के देख सकते हैं और उसकी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसकी कोफैक्टर है। अब मैं डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ऐसे ही सेम वे करना होगा, ए टू वन ए थ्री वन ए टू टू ए थ्री टू और ए टू थ्री ए थ्री टू। ये सेम चीज़ आपको सेम वे निकालना होगा और फिर इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें देखना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, कि इसकी जो कोफैक्टर आएगी वो कौन सी होगी, हमारी बी। मतलब कोई मैट्रिक्स हम उसको एज्यूम कर लेंगे, ज़रूरी नहीं कि अब हम उसको बी लेंगे, नहीं है कि हम उसको बी माने। अगर आपको इतनी माइंड में सेट रहती है कि हाँ ये कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है तो हमें उसकी बी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, पर नोटेशन के हिसाब से कि हमारी फॉर्मूला गलत ना हो इसके लिए हम इसमें नोटेशन कर लें। तो आफ्टर कोफैक्टर, जब हम कोफैक्टर निकाल लेंगे इसके बाद जो हमारी न्यू मैट्रिक्स बनेगी हम उसको मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी नई मैट्रिक्स आ गई बी। तो ये हमारे पास वो मैट्रिक्स आ गई बी जो कि कोफैक्टर से आई है। तो कोफैक्टर वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो कोफैक्टर वाली जो फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई, वो आई 18 17
माइनस टू, एंड द सेम वे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइंड आउट हुआ होगा माइनस सिक्सटीन एंड वन एंड फाइव फाइव जीरो। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ये मैट्रिक्स बी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, तो ट्रांसपोज निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि रो को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम से। तो ये हमारा रो है, अब ये कॉलम बन जाएगा, तो ये हमारा अब कॉलम हो जाएगा, ये रो है अब ये हमारा कॉलम हो जाएगा, ये रो अब हमारा कॉलम हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया आंसर कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या। अब फिर क्वेश्चन आता है कि हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते क्यों, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मेन मकसद होता है इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। इनवर्स जब मैट्रिक्स की सबसे मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन टॉपिक्स होते हैं, जिसमें हमेशा एक क्वेश्चन फिक्स होता है, बोर्ड हो, जेई मेन हो या फिर गेट की एग्जाम, इनवर्स का क्वेश्चन हमेशा फिक्स होता है कि इनवर्स क्या होती है। अब ये हमारी आ गई एडजॉइंट, एडजॉइंट क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया माइनर्स, कोफैक्टर एंड एडजॉइंट। अब हम इसके कुछ कंडीशन है जिसको हम देखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और इसकी हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, अगर डिटर्मिनेंट्स हमारा जीरो आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर उसकी डिटर्मिनेंट्स जीरो आ रही है तो वो सिंगुलर होगा, और अगर हमारा डिटर्मिनेंट्स नॉन इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये बेसिकली पूछा जाता है, ये क्वेश्चंस में यूज होते हैं। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इनवर्स ऑफ। तो इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी इज अ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, देन, मतलब क्या हुआ कि हम पहले से इसमें हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि जो हमारा ए का इनवर्स निकलेगा वो बी होगा। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, जैसे कि तो ये हमारे पास अगर कोई हमारे पास ए एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी उसका इनवर्स है, तो इसकी एक कंडीशन होती है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू वाई, ये कहाँ से लिखा मैंने, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए का एक प्रॉपर्टीज होता है जो मैं वहाँ पर बताना भूल गया, तो अभी डिस्कस कर सकता हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड आई। तो ये हमारे पास ए भी आ गया, अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास ए भी आ गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई को, तो ए बी, तो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं हम, टेकिंग बोथ साइड इनवर्स, टेकिंग बोथ साइड इनवर्स, इनवर्स, तो इनवर्स क्या होती है, इनवर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, इनवर्स को डिनोट करने के लिए ए और ए, ये होती है इसकी नोटेशन। तो जब हम बोथ साइड लेंगे, ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ए इंटू ए क्या होती है, यूनिट हो जाती है,
यूनिट मैट्रिक्स, ये भी यूनिट मैट्रिक्स हो जाएंगी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ए कैंसिल हो गया तो बी क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, और बी को हमने क्या अज्यूम किया हुआ है ए इनवर्स, ये हमारी डेफिनेशन में मेंशन किया हुआ है कि बी को क्या मेंशन किया हुआ है ए इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू वी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। अब आपको पता लग गया होगा कि हमें इतने पीछे माइनर्स के ऊपर है, को फैक्टर के ऊपर है, एडजॉइंट के ऊपर है, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए इनवर्स के लिए, तो इसीलिए ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा इनवर्स सॉल्व कर लेता है इसका मतलब है कि उसको माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट इन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास इनवर्स थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर वाला क्वेश्चंस होता है, पर इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कंपटीशन जैसे आईआईटी जेई मेन या फिर गेट में कैसे इजीली सॉल्व करोगे। हर बोर्ड के लिए तो मैं मतलब प्रॉपर भी बता देता हूँ, बाद में शॉर्टकट भी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा तो वो मैं आपको यहाँ बताया था थोड़ी देर पहले, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के तरीके, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के तरीके अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं कहीं और रफ करके निकाल लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक है, तो मैं कहीं और रफ कर लेता हूँ। फैक्टर सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, कोफैक्टर, कोफैक्टर, कोफैक्टर किसका ए वन वन का, ए वन वन क्या है हमारा वन है, तो यहाँ से कोफैक्टर निकलेगा, इसकी साइन क्या होगी प्लस होगी, इनटू इसको लॉक कर देना है, इसको लॉक कर देना है, बचा क्या हमारे पास माइनस सिक्स थ्री फाइव फोर, क्या हो जाएगा प्लस, सेम है कोफैक्टर, तो ये मैंने सारे कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए यहाँ से ए वन वन से लेकर और ए थ्री थ्री तक का, सेम प्रोसीजर रहेगा सबके लिए। और ये जो मैंने थ्री फोर इज इक्वल टू लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके बराबर है, ये मैं आपको डिनोट करने के लिए किया है कि हम कौन सी पॉइंट की निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होना कि ये मतलब इसकी सोल्यूशन थ्री के बराबर होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं बस नोटेशन के लिए यूज कर रहा हूँ कि ए थ्री टू, थ्री टू हमारी कौन सी पॉइंट की है, तो थ्री पॉइंट की है, और थ्री का कोफैक्टर क्या होगा ये होगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर को सजा देंगे कहाँ, कि जो हमने माना हुआ है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स बी है जो कि कोफैक्टर से फाइंड आउट होगी और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू, तो ये हमने इसको अरेंज कर दिया ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, ये हमारी जो कोफैक्टर अरेंज हो गई। अब हमारी एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगी, बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, तो चेंज रो इज टू इंटू कॉलम, तो क्या हो जाएगा माइनस थर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेल्व माइनस फोर्टी, तो ये हमारी आ गई क्या, आ गई एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए इसको हम इसमें फिट कर देते हैं क्योंकि हमें तो एडजॉइंट ऑफ ए ही चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आई, इसको हम फिट कर देते, तो ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए फिक्स हो गई। अब हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो यहाँ हम डिस्कस कर लेंगे कि हाउ टू फाइंड, तो डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना कोई टफ चीज़ नहीं है, जैसे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स थी उसको हम लिख लेते हैं पहले, तो डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें तो इसकी साइन तो पता ही है प्लस माइनस, यह मैं दोबारा से लिख भी देता हूँ प्लस माइनस प्लस, हम इसमें से कोई भी तीन पॉइंट्स, कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम, चाहे वो स्ट्रेट हो या फिर डायगोनल, कोई भी पॉइंट्स हम इसमें से ले सकते हैं, बस इसमें लाई करना चाहिए। जैसे कि मैं अगर इसकी डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करता हूँ, डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करता हूँ, तो जैसे अगर मान लो मैं ए रो चूज करता हूँ या फिर ये सॉरी ये कॉलम चूज करता हूँ या फिर ये रो चूज करता हूँ या ये रो चूज करता हूँ, मतलब वो मेरे पर डिपेंड करती है कि मैं कौन सी रो चूज करता हूँ। जैसे मैंने ये रो चूज किया है डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करने के लिए, सॉरी ये कॉलम,
तो क्या करना होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले पहले पॉइंट ठीक है इनटू सेम होता है कोफैक्टर के जैसा। जैसे अगर हमने इस पॉइंट इस वाले कॉलम में निकाल रहे हैं, तो इस वाले कॉलम में अगर हम कोफैक्टर की बात करें तो इसकी कोफैक्टर कैसे निकालते थे, तो इसकी कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते थे, पहले सबसे पहले इसकी साइन कन्वर्जन लेते थे और उसके बाद इसको लॉक कर देते थे, इसको लॉक कर देते थे, बचा क्या हमारे पास माइनस सिक्स फाइव थ्री और फोर। अब ये हमारा यहाँ पे क्या फाइंड आउट होता था, कोफैक्टर। और अगर हम कोफैक्टर को इस पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम कोफैक्टर को इस पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा फाइंड आउट हो जाता है डिटरमिनेंट। क्लियर, मतलब जैसे कि यहाँ मैंने लिखा था इसीलिए मैंने क्लियर किया वहाँ पे कि ये जो है वैल्यू, ये मैं नोटेशन के लिए दे रहा हूँ कि ये मतलब पॉइंट्स है, ए वन वन हमारी कौन सी पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स वन है। और यहाँ क्या करना है कि डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद साइन कन्वर्जन। तो इसकी साइन तो प्लस है, माइनस 13 है। अब पॉइंट टू, तो हम कोई भी एक रो या कोई एक कॉलम निकालते हैं, तो ये हमारी डिटरमिनेंट्स कैसे निकलेगी, तो अब हम निकालते हैं ये हमारी कौन सी पॉइंट्स पे हो गई, वन वन पे। अब हम निकालेंगे तो फाइनली डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास कौन कौन से कोफैक्टर चाहिए, वन वन चाहिए, टू वन चाहिए, थ्री वन चाहिए, तो और उसमें क्या करेंगे हम पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वन इंटू कोफैक्टर ऑफ ए वन वन देन प्लस माइनस माइनस टू इंटू शाइन आ गया, टू इंटू को फैक्टर ऑफ कौन सी पॉइंट है, ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अगेन यहाँ पे प्लस माइनस थ्री इंटू को फैक्टर ऑफ ए थ्री थर्ड रो एंड सिंगल रो। ठीक है, अब हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं कि हमारे पास क्या है, वन इंटू माइनस 39 माइनस टू इंटू ए ए वन वन ए टू वन, ए टू वन कौन सी है, ये वैल्यू है माइनस 13। उसके बाद कौन सा माइनस थ्री इंटू ए थ्री वन, ए थ्री वन क्या है हमारा 26। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करने के बाद ये हमारा मतलब डिटरमिनेंट्स कितना आ गया 143। तो ये होती है डिटरमिनेंट्स। अब जरूरी नहीं है कि मैंने ये लिया वही लेना है, आपने अगर ये लिया तो ये वन इंटू को फैक्टर ऑफ ए वन वन, फिर ये ले लिया तो माइनस सिक्स, माइनस सिक्स इंटू को, वैसे भी ये प्लस माइनस प्लस 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 माइनस, इसकी माइनस ही हो जाएगी, कौन सी पोजिशन हो जाएगी, सेकेंड रो एंड सेकेंड रो टू टू हो जाएगा, तो आपको सेम चीज़ वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 143। अब अगेन हम आ जाते हैं प्रीवियस पेज पे, कितना आ जाएगा 143, तो हमारा ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ऑन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 143 से, तो ये हमारा आंसर। अब 143 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/43 इंटू ए, या फिर मैंने आपको पहले ही बताया था डिटरमिनेंट्स के रूल की, अगर किसी हम एक एलिमेंट किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या सब्सट्रैक्ट या कुछ करते हैं, तो हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कर सकते हैं, तो हम 143 से किसी एक में डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। अब मैं आपको एक बेसिक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, जैसे कोफैक्टर निकालना या फिर ये डिटरमिनेंट्स निकलना, ये इतना पेपर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप सिर्फ एक दो पॉइंट्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमें ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो आपको पहले से पता है क्या होता है,
तो इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मतलब क्या हुआ, जब हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे तो ये हमारा बी आया था, और इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। तो क्यों ना हम इसको माइंड में ही कर लेते हैं, कैसे, ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे आएगा रो। क्या करते हैं हम कोफैक्टर में कि इसको लॉक कर देते हैं, इसको लॉक कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -24 -15 कितना हो जाएगा, -39, और ये इसकी साइन क्या होती है, प्लस ही होती है, तो ये हमारा हो जाएगा -39। अब क्या करेंगे हम, सेकंड इसकी ले लेते हैं, तो इसको लॉक कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे, और इसका साइन क्या होता है, माइनस। ठीक है, अब हमारा ये लॉक हो गया, ये लॉक हो गया, बचा क्या, ये और ये, तो 4 4 जा 16, -3 16 -3 क्या हुआ, -13, -13, और इसकी साइन क्या होती है, माइनस, तो +13। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, -3 13 हो गया, और 13 इसकी साइन क्या होती है, -13। तो अगर हम कोफैक्टर लिखेंगे तो ये यहाँ पे शो होगा, अगर कोफैक्टर लिखेंगे तो कहाँ पे शो होगा, यहाँ पे शो होगा, सॉरी कोफैक्टर लिखेंगे तो यहाँ पे शो होगा, लेकिन हमें क्या करना है, बाद में इसकी ट्रांसपोज निकालनी है, तो क्यों ना हम अभी ही इसी की पोजिशन चेंज कर दें, ये तो हमारा फिक्स रहेगा, क्योंकि अगर हम कहीं भी अगर रो में लिखे या कॉलम में लिखे तो ये तो हमारा फिक्स रहेगा, चेंज क्या होंगी, यही पॉइंट्स चेंज होगी, यही पॉइंट्स चेंज होगी, ये तो हमारा फिक्स रहेगा। तो अगर हम पॉइंट्स को यहाँ ना लिख कर डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि बाद में पोजीशन इसकी यही हो जाएगी, ये हमने दिखा दिया यहाँ पे पहले ही, इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें खोल के रखी हुई है। तो हमारा पॉइंट क्या आ रहा है, ये, पर हमें क्या निकाल रहे हैं हम, एडजॉइंट, तो ये पॉइंट्स कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई। क्लियर, अब अगेन अब चलते हैं इस पे, इसमें क्या करेंगे, ये लो ये लो, बचा क्या हमारे पास, 4 5 जा 20 20 प्लस सॉरी माइनस, और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस 6 26, और इसकी साइन क्या होती है, प्लस माइनस प्लस, +26। अब ये +26 कहाँ था, थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे हम 26 आता ही आ रहा हमारा थर्ड पोजीशन, ये आता हमारा 26 थर्ड पोजीशन पे, पर हमने इसको क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है, तो ये कहाँ जाएगा, 26 यहाँ आ जाए, सेम वे। अब ये हमारा फर्स्ट वाला तो काम हो गया, अब हम चलते हैं सेकंड में, सेकंड की पोजीशन क्या है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे, अब ये यहाँ से चेंज होके कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, और थर्ड की पोजीशन क्या थी, यहाँ पे, अब ये चेंज होके आ जाएगी, इसकी साइन क्या होती है, माइनस, ये हमारा लॉक हो गया, ये हमारा लॉक हो गया, 4 2 जा 8, और 15 3 3 5 जा 15, -15 हो गया, और साइन इसकी प्लस हो जाएगी, तो 8 और +15 23, और यहाँ की साइन क्या होती है, माइनस, ये हो जाएगा -23। क्लियर, सेम है, 1 को लॉक कर देते हैं, ये हमारा गया लॉक हो गया, ये हमारा लॉक हो गया, बचा क्या हमारे पास, ये, तो 3 2 जा 6, और ये -18, 6 और -18 -12, और इसकी साइन क्या होती है, प्लस, तो -12 हो जाएगा। क्लियर, अब क्या करेंगे, बचा हमारे पास कौन सा, ये, तो सेम वे करेंगे, इसको लॉक इसको लॉक, तो हमारा पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 -15, आई बात क्लियर, 7 -15 -3 -14। अब क्या चाहिए हमें, डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, काफ़ी बेसिक फॉर्मूला है, हमें कोई कोफैक्टर कोई कुछ नहीं करने की जरूरत, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फर्स्ट क्या है, 1 इंटू -39 प्लस 4 इंटू -23 प्लस 1 इंटू -12। तो क्लियर है कि हमें डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करना है, इसके फर्स्ट रो से इसकी फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये आप कैलकुलेट करके देखो कि ए जो ए इनवर्स कितना आ रहा है, तो ये तो हमारा -39 माइनस, और ये कितना आ जाएगा, ये 1 है, -39, यहाँ कैलकुलेट करते हैं, -39 -92 और -12 43, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा शॉर्टकट तरीका है।
अब इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है, छोटी सी प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई ए इंटू बी का इन्वर्स है तो वो बराबर होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टीज होती है जो हम नोट में लिख सकते हैं इसको नोट में। तो ये हमारा था इन्वर्स। तो बेसिकली इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या सीखनी पड़ी, कोफैक्टर, माइनर, एडजॉइंट एंड देन इन्वर्स। अगर थैंक यू।